वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। कल हम लोगों ने कंप्यूटर का पहला प्रैक्टिस सेट कर लिया था, आज सेकंड नंबर का करते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं और ये 25 क्वेश्चंस को आपको पूरे अच्छे से लगाना है और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में यह बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है ALU निम्नलिखित का पार्ट है। अगर आपको क्या लगता है इनमें से किसका पार्ट ALU होता है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन है CPU, CU, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। तो इसका क्या पार्ट है पूछा है ना, तो ये किसका पार्ट है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। क्योंकि मैंने कल आपको CPU के बारे में बहुत कुछ बताया था, अगर कल आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, ठीक है ना। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके तीन पार्ट होते हैं, मैंने बता दिया था आपको। तीन पार्ट में कौन कौन से होते हैं, एक तो ALU वाला पार्ट होता है, एक होता है मेमोरी वाला पार्ट होता है, एक रजिस्टर वाला पार्ट होता है। तो ALU क्या है, जिसमें मैथमेटिकल फैक्ट की सारी गतिविधियाँ करी जाती हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड जितनी गतिविधियाँ होती हैं वो आपके ALU पार्ट में होती है, तो ये CPU का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी घूम फिर के वैसे ही आ गया कि कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुक्त उत्तरदायी होता है। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए पूछ रहे हैं, गणना, गणना मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो बी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, थर्ड है ALU एंड चौथा है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। अभी मैंने बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है, तो लगभग वैसे ही क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही है, देखिएगा इसमें लिखा है कि अंकगणितीय एवं तार्किक संख्या करने वाले संसाधन को क्या कहा जाता है, CPU, ALU, माइक्रो प्रोसेसर या RAM। तो देखिए मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ दो तीन बार, लेकिन जितनी बार भी बताऊंगा आपको याद रहेगा। CPU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहली बात। तो दूसरी बार मैंने CPU के आपको तीन पार्ट कल बताए थे, कौन कौन से, एक तो है ALU वाला पार्ट, एक रजिस्टर वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर है, इसमें क्या पूछा गया है कि कहां पर अर्थमेटिक्स लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डैश कंप्यूटर का वह भाग है जो गणितीय संबंधी गणनाएं को करता है, तो आपको बताना है। फिर से वही मैथमेटिकल फैक्ट कैलकुलेशन के बारे में बात आ गई। तो देखिए OS क्या है, ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ALU क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक्स लॉजिकल यूनिट है। CPU क्या है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी और प्रिंटर। तो इसमें आपसे पूछा है मैथमेटिकल फैक्ट कहाँ होते हैं, तो सीजर राइट आंसर। चलिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपसे फिफ्थ वाला है कि कंप्यूटर को दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है। पहला है प्रोसेसर सर्किट, मुख्य स्मृति, अंगर्ती तर्क या इकाई कैश मेमोरी। तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि ALU का फुल फॉर्म बताना है। मैं 50 बार बता चुका हूँ कल की पहली वीडियो में भी और आज कंप्यूटर के दूसरे सेट में भी। तो इसका क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ मूव करते हैं। सेवन क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में आपको बताना है कि इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स है। तो इसमें पूछा गया अंकगणितीय सक्रियाएं पूरी करता है, डाटा का संग्रहण करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषित करता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही है, बी सही है, ए बी सही है या ए सी सही है। तो दोस्तों इसका फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा, आपको पता ही है ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पूरी करता है और नियुक्त युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि CPU में ALU में डैश होता है। देखिए पहला ऑप्शन है इसका रैम स्पेस, पहला सेकंड है रजिस्टर, तीसरा है आपका बाइट स्पेस, चौथा है आपका सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि CPU के अंदर जो तीन पार्ट हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत तीन पार्ट आते हैं। पहला हो गया ALU वाला पार्ट हो गया, फिर आपका एक रजिस्टर्ड वाला पार्ट हो गया। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि CPU के ALU में होता है, तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, क्या, रजिस्टर्ड वाला पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ALU कंप्यूटर डैश का एक हिस्सा है, तो क्या है, प्रोसेसर है, बिल्कुल सही है, प्रोसेसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन कहता है कि कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है। मैंने आपको अभी फिर से एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है क्वेश्चन। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एएलयू का फुल फॉर्म बताइए, वैसे ही है तो देखिए यहीं पे ढूंढ लीजिएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो ए इज द राइट आंसर, 50 बार हो चुका है तो आपको रट जाना चाहिए और रट भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का, तो दोस्तों है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एएलयू का तात्पर्य फिर से क्या है, देखिए फिर से वैसे रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा एक पार्ट होता है, तो कौन सा पार्ट होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मैंने आपको बताया सीपीयू के बारे में कि तीन पार्ट होते हैं और इसमें जो एएलयू है ये इसके अंदर क्या होता है रजिस्टर्ड होता है, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, कहने गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, एएलयू का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, तो और आपको मॉडेम दिया गया है और डी आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, कहता है कि कंप्यूटर में किस की सहायता से परिकल्पना किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एएलयू, देखिए आपको दिया गया सीयू रैम, बिल्कुल गलत है, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं मैच करते, जो यहाँ पे कैलकुलेशन का जो काम करता है वो सिर्फ एएलयू ही करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सारी कौन करता है, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं, कहता है कि एएलयू परिचालन संपन्न करता है, क्या करता है एएलयू, तो एएलयू करेगा अर्थमेटिक, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है दोस्तों वो कौन करता है, एएलयू करता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं, टॉपिक नया आता है कंट्रोल और यूनिट से, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो कौन बताता है, कंट्रोल यूनिट बताता है, क्योंकि इनपुट देने का काम अलग है, स्टोरेज का काम बिल्कुल अलग है और लॉजिकल यूनिट का काम अलग है, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है प्रतिवेदन को बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज, क्योंकि एएलयू का काम तो मैथमेटिकल फैक्ट को होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा का अंतरण कराती है। इसमें आपसे पूछा गया ट्रांसफर टू डेटा बिटवीन द मेमोरी एंड एएलयू, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, मतलब कंट्रोल यूनिट, ज्यादातर इसका सी रहेगा क्योंकि कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सीपीयू का कौन सा भाग है जो प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन निर्वाचन और मॉनिटर करता है, तो कौन करेगा दोस्तों, सी कंट्रोल यूनिट करेगा, मेमोरी का कोई रूल नहीं है, और एएलयू का जो लॉजिक है मैंने आपको बता दिया, ये सीपीयू के अंदर एएलयू होता है अर्थमेटिक्स लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस शब्द से आपको पकड़ना है नर्व सिस्टम किसको बोलते हैं, तो दोस्तों नर्व सिस्टम बोलते हैं यहाँ पर कंट्रोल यूनिट को। ओके, प्रोग्राम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या है, जो भी आप कीबोर्ड है माउस है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर आपका पता ही होगा आपको सॉफ्टवेयर है, जैसे क्रोम है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, बिना सॉफ्टवेयर के आपका जो सिस्टम चलेगा नहीं, प्रोग्रामिंग ठीक है वो चीज़ अलग है, तो ये आपका सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है, तो इसका देखिए कंट्रोल यूनिट है जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र भी कहलाता है, और आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा नर्व सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको देखिए दोस्तों बताना है वो कौन सा है, तो वो है आपका कंट्रोल यूनिट। ओके, सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल यूनिट है, मदरबोर्ड है नहीं, ठीक है, आपको एएलयू फिर बार बार एएलयू आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट इसको नियंत्रित करेगा, ठीक है ना, तो 8 का बी इज द राइट आंसर। बाकी एएलयू फिर से मैं बता दूं आपको मैथमेटिकल चीज है, ये मेमोरी यूनिट होगा नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों मदरबोर्ड से रिलेटेड है। मदरबोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया मदरबोर्ड है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर को ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, बी ऑप्शन है सर्किट बोर्ड में जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, सी सीपीयू चिप, या डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, एंड ई है प्रिंटर का एक भाग। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि आप बच्चा मुझे ये बताइए कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस होती हैं जो लैपटॉप के जो सिस्टम के बाहर से ऐड की जाती है, वो पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानी जाती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल कैसे करेगा? पेरिफेरल के थ्रू। तो हो जाएगा इसका राइट, सॉरी पेरिफेरल नहीं, बेसेज के थ्रू, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तथा विभिन्न कमांड तथा कंट्रोल सिग्नल प्रसारित होता है। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल आपको बता चुका हूं कंट्रोल बस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। कह रहा है कि मदरबोर्ड और सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे से ऐड करता है, तो ऐड कौन करेगा? सिग्नल बस करेगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का सी। ओके, क्योंकि क्या कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। कह रहा है कि मदरबोर्ड का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है मदरबोर्ड का पूरा नाम क्या है। तो मदरबोर्ड का पूरा नाम है सिस्टम बोर्ड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर, सिक्स का ई हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं सेवन पे। सेवन क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, तो डैश में आपको भरना है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने मदर बोर्ड के बारे में बात करी है। प्रोसेसर कुछ नहीं, माइक्रोचिप नहीं होगा, इंटीग्रेटेड चिप आईसी होता है, इंटीग्रेटेड चिप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट कहता है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है कंप्यूटर का मुख्य पटल? कंप्यूटर का मुख्य पटल में आपको ऑप्शन दिया गया है फादर बोर्ड, मदर बोर्ड, की बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, मदर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं। मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो मदरबोर्ड के बारे में आप देखेंगे क्या तात्पर्य है तो आपको पता चलेगा। पहला है स्कैनर और अन्य वस्तुएं मदरबोर्ड के अंतर्गत आते हैं। बी है कीबोर्ड को मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। सी है यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें के सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। और चौथा है आपका यह एक प्रकार का फाइल सर्वर है। तो इसका क्या हो जाएगा? यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए जो टेंथ है वो है एक्सपेंशन प्लांट के बारे में, स्लॉट के बारे में, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट से पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण करके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो इसको किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो बी इज द राइट आंसर है, कंप्यूटर पोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना। आइए इंटरफेस पता है, बफर मेमोरी और मॉडेम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, ये कौन करता है विस्तार क्षमता प्रदान? फिर अभी क्योंकि यही बात हो चुकी है स्लॉट के बारे में, तो स्लॉट ही है। अब आता है एक्सपेंशन का डैश में इंसर्ट किए जाते हैं, तो किस में इंसर्ट किया जाएगा? स्लॉट में, पेरिफेरल डिवाइस में, सीपीयू में, कंप्यूटर के पीच में या पेग में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉट में ये यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ कहता है कि सिस्टम यूनिट के बारे में कुछ चार पांच पॉइंट्स आपको दिए, इन पांचों पॉइंट्स को पढ़ना है। पहला है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है, बी ऑप्शन है कंटेनर और इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं, सी ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, डी ऑप्शन है डाटा कंट्रोल तथा मैनुअल करता है, तथा चौथा ऑप्शन है कि अर्थमैटिक्स ऑपरेशन करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, मतलब कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के काम से रिलेटेड है, तो वर्क ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनते हैं हम लोग फटाफट इसको करते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला गया कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करता है। पहला है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। तो अंगणती करा जाता है, तार्किक प्रश्न तार्किक ऑपरेशन भी किया जाता है, संचय एवं अनुप्रस्थिति भी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी में लिखा हुआ है कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं। थ्री कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के चार प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, एक नहीं है बोला गया है, ठीक है ना आपसे। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है डाटा से रिलेटेड, ठीक है। बी ऑप्शन आपको भी दिया गया है, सी ऑप्शन है आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण करना, बिल्कुल सही है, यही नहीं हो सकता विश्लेषण करना। डी वाला ऑप्शन है अखरोट तथा सूचनाओं का भंडार करना, ठीक है, ये भी कर सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं कर सकता, ये सी वाला ऑप्शन नहीं कर सकता। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है, कौन सा ऐसा काम है जो कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, ये आपको बताना है। तो इसमें पूछा गया है क्या तस्वीर लेने का काम करता है, गणना करने का काम करता है, अंगुली की छाप की पहचान करता है, धुन तैयार करता है, तो ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन ए वाला जो पॉइंट है, तस्वीर लेने का काम कैमरे का होता है, ना कि सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। फिर से वापस से वैसे ही क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, ई वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसके सारे काम वो कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को, नहीं का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनुपुलेट करता है, और इस मैनुपुलेशन को क्या कहते हैं। तो इस मैनुपुलेशन को क्या कहेंगे, अपग्रेडिंग कहेंगे, प्रोसेसिंग, बेंचिंग, यूटिलाइटिंग या डाउनलोडिंग। तो इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग, बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं बढ़ते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। बी ऑप्शन है प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची होती है। सी ऑप्शन है स्मृति एवं संग्रह क्षमता अधिक होती है। डी ऑप्शन है इसके उच्च समान ज्ञान के कारण अनुप्रयुक्त निर्देशों की संपूर्णता को यह स्वयं ही सुधार सकता है। तो इसका पहले का जो आंसर राइट होना चाहिए वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि यही काम एक कर सकता है, ये ठीक नहीं है, यही काम एक नहीं कर सकता, बाकी सारी चीज़ों को कर सकता है। बी ऑप्शन है कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है। कंप्यूटर का यूज करने का क्या फ़ायदा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कंप्यूटर एक बहुत तेज होता है जिसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोरेज की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। बी ऑप्शन में आता है कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत होते हैं। नहीं, ये तो नहीं कर सकते कि इनपुट अगर गलत होंगे तो सही आउटपुट नहीं होगा। सी ऑप्शन है कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, मतलब कंप्यूटर कैसे रिसीव करता है अपने पावर को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी स्मृति मतलब फ्रॉम मेमोरी से ही अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप और लचीले व्यवहार को दर्शाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सटीक, विश्वसनीयता, बहु कौशल या अविराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि बहु कौशल का मतलब होता है मल्टी स्किल्स हैं इसके पास में, ठीक है ना, यही इसके व्यवहार को दर्शाता है। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वो है कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर लिखा है, इसके बाद चार इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि इन चारों में से सही इसका विकल्प क्या होगा। पहला है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने की सक्षम युक्ति है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी चारों। बिल्कुल सही है, आंकड़ों के भंडारण करने के लिए सक्षम युक्ति है। बिल्कुल आपको पता है कि ये सक्षम है, जितने भी आप जाएं इसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण को कर लेता है, ठीक एनालिसिंग डाटा कर लेता है, बिल्कुल सही है, कैपेबल है उसके लिए, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी है, बिल्कुल है, एबल टू द मेंटेन द कंप्लीट प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है, कभी कभी वायरस आने से संक्रमित हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं, और आज जो नया टॉपिक है वो है कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे, और कंप्यूटर की हिस्ट्री के भी बारे में देखेंगे कि आखिर में कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि संसार का पहला गणना यंत्र है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, संसार का पहला गणना यंत्र के बारे में पूछा गया, अबेकस है, एनियस है, मार्क वन है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अबेकस है, आपने अबेकस के बारे में पढ़ रखा होगा, और इसके बारे में मैं क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, अगर आपके सब्जेक्ट में कंप्यूटर होगा तो बिल्कुल आपको सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है कि संसार का जो पहला गणना यंत्र था वो कौन था, वो अबेकस हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि प्राचीन गणती गणनाओं के लिए इस्तेमाल साधन किया जाता था, कौन से साधन का इस्तेमाल हुआ करता था, तो वो कैलकुलेटर तो तब चलता ही नहीं था, टेबल नहीं नहीं, और ये बी ऑप्शन क्या है, अबेकस, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेकस, क्योंकि सबसे पहले प्राचीन गणती जो कैलकुलेट करने की जो प्रथा थी वो ऐसे ही हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते, पूछा गया कि कंप्यूटर किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति होगी, मतलब कंप्यूटर को एक तो पहली बात हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा हिंदी में इसको बोलते हैं संगणक, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात पूछा कि किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो क्या फ्रेंच से, लैटिन से, जर्मनी से, स्पेनिश से, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, लैटिन से होगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया किसने था, मार्कोनी ने, एलएम टूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या चार्ल्स बेबेज ने, तो नहीं, ग्राहम बेल ने नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब मैं थोड़ा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किसने किसने किया था, इन सब ये जो सारे नाम है वो कहाँ से रिलेटेड है। दोस्तों फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच ये कहता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया जो प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था वो किस प्रकार का कंप्यूटर था, ठीक है ना, फटाफट इसका आंसर करिए। देखिए इसका पहला जो ऑप्शन है वो लिखा है अबेकस, दूसरा है एनालिटिकल इंजन, फिर तीसरा है कैलकुलेटर, और चौथा है प्रोसेसर। तो दोस्तों इसका जो फिफ्थ का राइट आंसर होगा वो होगा बी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर बी क्या होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अबेकस के बारे में बताता हूँ, अबेकस को शुद्ध हिंदी में गिनतारा बोलते हैं, और ये जो इसका नाम है वो लैटिन शब्द से नाम लिया गया है। पहली बात, अबेकस की जो शुरुआत है या अबेकस की जो खोज है, ये कहा जाता है कि सबसे पहले किसने, चीन में स्टार्ट हुई थी, और चीन में इसको क्या बोलते थे, सरोवन, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सके। अब बी ऑप्शन में बात करते हैं, कहता है एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन का जो काम है वो दोस्तों कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैलकुलेटर का आप यूज जानते होंगे, दैनिक जीवन में आप इसको खूब यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर का मतलब भी जानते होंगे, प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसर करना, तो ठीक है। तो आपको ये पांच के सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, आते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन के पे। छठे नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर बनाया गया था, किसने बनाया था, बिल गेट्स ने बनाया था, बिल क्लिंटन ने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, या मार्कोनी ने बनाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो मैं राइट आंसर इसका बताऊंगा, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगर आपने इसके बारे में देखा है तो और थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि जो बिल गेट्स हैं वो तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, बिल क्लिंटन कौन है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्या है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट, और भी किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, 42वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, कब, 1993 से लेकर 2001 के बीच में बनाए गए। इसके बाद आता है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर, देखिए देख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, इसको अच्छे से मैं बोलता भी जा रहा हूँ, इसको आप लिख भी लीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। और मार्कोनी जो शब्द है वो मार्कोनी शब्द है, रिलेटेड नहीं है कोई खास, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन है, लगभग रिपीटेड हुआ। चार्ल्स वेबर, टिम बर्नर्ली, डगलस कार्ल एंगलबर्ट या सबीर भाटिया। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। राइट आंसर इसका होगा ए, चार्ल्स बैबेज। अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए चार्ल्स बैबेज को अभी मैंने आपको बताया फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। टिम बर्नर्ली की अगर बात करेंगे तो ये वेबसाइट डिजाइनर थे दोस्तों। क्या क्या थे? वेबसाइट को डिजाइन किया था, वेबसाइट डिजाइनर थे। आप अगर थर्ड वाले की बात करेंगे डगलस कार्लिस के बारे में तो ये कोई खास नाम नहीं है। और सर्बिया भाटिया के बारे में तो हर कोई जानता होगा। ये किसके संस्थापक है दोस्तों? ये हॉटमेल के संस्थापक हैं, हॉटमेल के सह संस्थापक, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से बता दी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो फिर से आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डी आंसर होगा। विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलिंगटन नहीं होगा, जेक किल्बी नहीं होगा, बिल गेट्स तो नहीं होंगे। मैंने आपके आपको बताया बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, क्योंकि बिल गेट्स नहीं होगा क्योंकि ये तो उद्योगपति हैं, हेलोरिथ नहीं होंगे और विलियम आर्डरिट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो फिर से अगर आपने देखा होगा तो ये 50 बार कम से कम क्वेश्चन अभी मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, संस्थापक हैं। नारायण मूर्ति बात अलग है और टिम बर्नर्ली तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। तो बस आंख बंद करिए और आंसर इसका ए लगा दीजिए, चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इसके अलावा कोई और नाम हो ही नहीं सकता। होलरिप नहीं है, लेबनीज है नहीं, ब्लेक पास्कल है नहीं। तो बस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। आपको देखिए जो कंप्यूटर की सीरीज दी जा रही है, आपको रट लेनी है और हर एक ऑप्शन को बारीकी से ध्यान में रखना है बस, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए कैसे याद किया जाता है जिसने प्रोग्राम दिए थे। तो किसको ध्यान दिया जाता है, चार्ल्स बेबेज को। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ फिर से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो सेकंड इसका ऑप्शन है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिल गेट्स को आप जानते हैं, मैं 5 बार बोल चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। स्टीव जॉब्स के बारे में आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। तो ये जो स्टीव जॉब्स है ये दोस्तों किसके हैं, आपने आईफोन चलाए होंगे ना, तो आईफोन के क्या हैं, ये संस्थापक हैं। तो एप्पल के संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स। आते 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कंप्यूटर को जन्मदाता कौन है या कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज, क्योंकि हरमन हेलोरी नहीं है, बिल गेट्स, फिर बाबा बिल गेट्स का नाम आ रहा है, न्यूटन तो है ही नहीं क्योंकि न्यूटन किससे जुड़े हुए दोस्तों, फिर फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से रिलेटेड इनका कोई काम नहीं था कोई खास। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो कौन सी मशीन बनाई थी दोस्तों, ये दोस्तों बनाई थी वैश्लेषी इंजन या बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये थे चार्ल्स बेबेज। फैराडे तो लॉ है, फैराडे का एक नियम है जो कि आप 12th में पढ़ने को मिलता है आपको। मैक्सवेल का भी एक लॉ है। बिल गेट्स क्या थे, माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं दोस्तों, सह संस्थापक हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, डी नहीं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। 16 नंबर कहता है कि गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब गणना करने के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज, बार बार चार्ल्स बेबेज का, जितने भी चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड टाइम्स क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको सबके सब याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कौन है, एनीएक नाम इसका याद रखिएगा, ANIAC, एनीएक नाम का जो कंप्यूटर था वो वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ करता था। अब हम लोग बात करते हैं सिद्धार्थ परमोमेघा के बारे में। देखिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था वो सिद्धार्थ था, परम कंप्यूटर है, देश का पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि 8000 और परम 10000 के नाम से जाना जाता है।
मेगा के बारे में, मेगा के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए इसके मैंने आपको सारे ऑप्शन पे एनालिटिकल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया एनिक क्या है, एनिक था तो एक है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्त या एक इंजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या कहलाएगा, एनिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी बात कर चुके हम लोग एनिक के बारे में, ठीक है। अब एनिक का जरा फुल फॉर्म भी जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है एनिक का, ठीक है। तो एनिक का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में था, आपको बताना है क्या हुआ करता था। पहला ऑप्शन है इसमें ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोड, स्मृति। तो आपने देखा होगा जो कंप्यूटर थे उसमें बहुत बड़े बड़े वॉल्व हुआ करते थे, सिलेंडर टाइप के हुआ करते थे, वो कहलाते थे वॉल्व। तो बी इज अ राइट आंसर, ट्रांजिस्टर होगा नहीं और बाकी आपका कोड स्मृति नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित से कौन संबंधित है। तो देखिए कंप्यूटर के आविष्कार से कौन है, अभी हम लोगों ने बात करी थी बैबेज, 50 बार आ चुका है तो 51वां बार ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, बैबेज है। क्वेश्चन नंबर 22 पे, हरमन हेलेरिथ ने अपने टैबलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और ये मशीनी विकसित की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका बी, सेंसर टैबलेटर। ओके, सेंसर टैबलेटर। एनालिटिकल का अभी मैंने फुल फॉर्म बता दिया है आपको, टैबलेटिंग समझा दिया है और उपरोक्त में से कोई हो नहीं सकता, इसलिए बी इज द राइट आंसर। दोस्तों एरिथमोमीटर का आविष्कार किया था, तो आपसे पूछा गया इन चार ऑप्शन में बताया, आपको बताना है कि किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, इसको किया था जेवियस थॉमसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला कंप्यूटर का नाम था यूनिवैक, ठीक है ना, UNIVAC। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म लिख दिया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ये किसका हो गया, सी का इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बारे में हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी है, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाला एक डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए मतलब जॉन वॉन न्यूमैक, ए इज द राइट आंसर। बी होगा नहीं, चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए जाते हैं, बिल गेट्स का है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं संस्थापक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो वो किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता के अंदर, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, और कहीं नहीं इसके अलावा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। 7 कहता है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया है कोलकाता के अंदर किया गया था, तो 27 का भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी है। 28 पर आते हैं, किस शहर में भारत का पहला डाक घर एटीएम खोला गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही चेन्नई के अंदर भारत का पहला एटीएम खोला गया, तो अभी डाकघर एटीएम, ठीक है ना, नई दिल्ली नहीं, हैदराबाद नहीं, मुंबई नहीं, तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए आपको नहीं है। चलिए जरा मुझे ये बताइए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एटीएम का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते, कह रहा है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन था, सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर कौन था, एप्पल में कौन सा एप्पल कंप्यूटर आया था, तो एप्पल वन आया था सबसे पहले। अब मुझे बताइए कि एप्पल जो कंपनी है इसके को फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है एप्पल कंपनी के, तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा है प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना प्रारंभिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से कोई नहीं है। हालांकि दोस्तों इसका एटलस नहीं होगा, एलियो नहीं होगा, यूनिवेक का भी नाम मैं बता चुका हूँ, लाइन का नाम बता चुका हूँ, तो कह रहे हैं कि कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, तो प्रारंभिक कंप्यूटर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ,
दोस्तों देख लीजिएगा इसका मैंने आपको सबके इसके बता रखे हैं कि फुल फॉर्म इसका क्या क्या होगा। देखिए पहला जो है एलईओ है वो है लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में, यूनिक का मैंने बता दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और जो एलआईएनई है ये है लॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंपाइलर, ठीक है ना। तो ये इसका जो सारे शॉर्ट फॉर्म है। और इसका जो राइट आंसर मैंने अभी आपको बता दिया था कि राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, कोई भी नहीं है इसमें राइट आंसर, ओके। तो ये हालांकि क्वेश्चन बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा है, तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो टॉपिक है वो है दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उससे रिलेटेड है, कंप्यूटर की पीढ़ी से। पहला कंप्यूटर है वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर डैश से पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली से, ठीक है, पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट पजल से। दूसरा है कंप्यूटर जनरेटर का 1 से 5 तक का सही अनुक्रम चुने। आपके पास 4 अनुक्रम दिया गया है, आपको चुनना है। पहला है वैक्यूम ट्यूब रजिस्टर एकीकृत सर्किट वीएलएसआई माइक्रोसॉफ्ट एवं यूएसआई एवं माइक्रो प्रोसेसर, बी वाला, सी एंड डी। सभी ऑप्शन को ढंग से पढ़ लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अब क्वेश्चंस की जो टॉपिक है दोस्तों, हम लोगों ने हर टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन जनरेट किए हैं, तो यहाँ से आप ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ है, यह पहली पीढ़ी, दूसरी या तीसरी या चौथी, तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कंप्यूटर की किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का जो यूज हुआ है वो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। आप कह रहे हैं वैक्यूम का जो प्रयोग है, वैक्यूम ट्रांजिस्टर से कब स्थानांतरित कर दिए गए, किस पीढ़ी के कंप्यूटर, तो ये तो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये है सी इज द राइट आंसर, मतलब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, तो वो था दोस्तों 1955 से लेकर 1964 के बीच में। तो इज द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम लोग जरा डिस्कस करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो तीसरी पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये तीसरी पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम डैश में प्रयुक्त किया गया था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आंसर आपके हिसाब से राइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर इसका ए है। अब मैम थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ। दोस्तों इसमें देखिएगा जो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका टाइम पीरियड आपको दिया गया 1965 से लेकर 75 तक। अब देखिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहाँ पे आईसी सिलिकॉन चिप लगी होती थी, इसका मतलब आईसी जो चिप होती थी उसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर हुआ करते थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर हुआ करते थे। तो ट्रांजिस्टर से मिलकर मिलती बनी होती थी जो सिलिकॉन है, आईसी जो चिप है ये किसकी बनी है दोस्तों, सिलिकॉन की बनी है, ये देख लीजिएगा सिलिकॉन की बनी है। और आईसी को निर्माण किसने किया था दोस्तों, ये किया था जेएफ स्किल्बी ने, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नाम लिख रखा है, जेएफ स्किल्बी ने इसका निर्माण किया था। अब आके देख लेते द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1964 तक था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का 1971 से 1985 था। ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। और जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1985 से लेकर अब तक, मतलब 2019 के बाद भी जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे वो सब कैसी पीढ़ी के होंगे, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूप संभव हो सकता है, तो आपसे पूछा गया क्या संभव हो सकता है, अगर संभव हो सकता है तो किसकी वजह से, तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर होगा, वो होगा समकलित परिपथ चिप्स की वजह से, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते, आईसी का वर्गीकरण का आधार क्या रहा, तो ये था ट्रांजिस्टरों की संख्या। मैंने आपसे क्या बताया, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप किसने बताया, जेम्स किल्बी ने इसको दोस्तों बनाया हुआ है। और ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है सिलिकॉन से बनी हुई है चिप है। अब ये है कैसी चिप, मान लीजिए ये एक ऐसी है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए, तो ये एक ऐसा रूप है इसका, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि संगणकों के आईसी चिप प्राय बनी होती है। देखिए अभी मैंने 50 बार आपको सिलिकन सिलिकन बोला हुआ था, यही देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, तो सिलिकन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है, किसके लिए दोस्तों, सिलिकन के लिए। अभी मैंने आपको बताया सीसे का बनेगा नहीं, क्रोमियम का होगा नहीं, सोने का होगा नहीं, हालांकि चांदी का लेप जरूर होता है, ये ध्यान रखिएगा, चांदी का यहाँ पे लेप जरूर कराया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से आईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड चिप। अभी मैंने आपको बताया हुआ आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिप। आइए, इसकी खोज किसने करी थी या इसको बनाया किसने था दोस्तों, इसको बनाया था जेम्स किल्बी ने। नाम क्या है दोस्तों, जेम्स किल्बी। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। कंप्यूटर में आईसी का क्या मतलब होता है, अब शुद्ध हिंदी में पूछा जा रहा है आईसी का मतलब क्या है, तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किल, लेकिन आपसे हिंदी में पूछा तो आपको बताना पड़ेगा एकीकृत परिपथ। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मूव करते हैं। एट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप समानता किस चीज की बनी होती है, सिलिकन की। देखिए अभी आप अगर आप लोग देख रहे होंगे तो लगातार आपको दिख रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार ये रिपीट हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि कंप्यूटर है तो आवश्यक आईसी चिप समानता किस चीज की बनी होती है, फिर से सिलिकन की बनी होती है, नाइन्थ का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर टेन कहता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया था सिलिकॉन की परत लगाई जाती है, और आईसी की जो आविष्कारक थे कौन थे, जेम्स किल्बी नाम हुआ करता था, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। और ये सिलिकॉन की बनी होती है, ये क्या होता था, एक ट्रांजिस्टर होता था जिसमें छोटे छोटे क्या होते थे, ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, तो ये एक पार्ट है। निकल का कुछ बनता नहीं, आयरन का कुछ होगा नहीं, सिल्वर का कुछ होगा नहीं, और कॉपर का भी कुछ नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। आप भी कहेंगे सर हम तो थक गए हैं क्वेश्चन सुन सुन के बार बार, लेकिन दोस्तों क्या करें, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है किस चीज की, सिलिकॉन की, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। टंगस्टन की होगी नहीं, तांबा की होगी नहीं, और प्लैटिनम का कोई यहां पर यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर में प्राय चिप किसकी होती है, आंख बंद करके आप बोलेंगे सिलिकॉन की होती है, सॉरी आंख बंद करके आप बोलेंगे किसकी होती है दोस्तों, सिलिकॉन की होती है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, सिलिकॉन की होती है, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के लिए प्राय आमतौर पर बनाई गई जो चिप होती है, फिर से 14 का सी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, तो वो भी किया जाता है सिलिकॉन का, ठीक है ना, बाकी सारी चीजों का कोई यूज नहीं हो सकता। क्या ग्रेफाइट का तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट तो पेंसिल में यूज होती है, ठीक है ना, ग्रेफाइट पेंसिल में यूज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, तो सीधा से कौन सा है दोस्तों, सिलिकन है। उन्होंने घुमा घुमा के जितनी बार पूछ सकते हैं उन्होंने घुमा घुमा कर इसका आंसर जरूर पूछने की कोशिश करी इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, तो आपको बताना है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए सिलिकॉन है, पूछा गया सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या, सेमीकंडक्टर है, तो इसलिए ये इसका होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो बी इज अ सेमीकंडक्टर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक एकीकृत परिपथ जिस संयोजक अंगों से बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको सिलिकॉन कहा जाता है। 50 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, वो किसकी है, सी सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन के आविष्कार किसने किए थे, जेम्स किल्बी ने। जो लोग नए आए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, जेम्स किल्बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, सॉरी।
21 में आते हैं, समानता प्रयुक्त आईसी जो चिप है वो किस चीज की बनी होती है, तो अब आपको बताना है ये बनी होगी मोनोलिथियन की। सामान्यतः जो कॉमनली आईसी चिप होती जो कुछ एडवांस लेवल की होती है वो तो होती है सिलिकन की, लेकिन जो बिल्कुल नॉर्मल लेवल की होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है, मोनोलिथिक की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार करने में सक्षम होता है, तो इसमें से किस मटेरियल का वो बना होता है, तो वो है आपका चिप होती है, वो किस चीज से डिनोट करती है, चिप होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड चिप। और आईसी, आईसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो बिल्कुल एडवांस लेवल की आईसी होती है वो तो बनती है सिलिकन की, लेकिन जो बिल्कुल लो क्लास की आईसी होती है वो किसकी बनती है, वो बनती है मोनोलिथ की। किसकी बनती है दोस्तों, मोनोलिथिक की। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक या टेट्रा वॉलेट उपधातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दोस्तों किया जाता है सी या 24 का तीसरा पार्ट। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन के जो सिस्टम है उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फोर्थ जनरेशन में क्या है, देखिए चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका निर्माण के बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें क्या बदलाव आए थे, तो उसमें आए थे ट्रांजिस्टर चिप का यूज होने लग गया था। मैंने आपको अभी बताया है ट्रांजिस्टर चिप एक ऐसा बना होता है इसमें बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे होते हैं, तो इसका निर्माण होने लग गया था, तो सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर का, ठीक है। और चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर का समय पीरियड क्या है दोस्तों, 1971 से लेकर 1985, ये चौथे पीढ़ी का है। और फिफ्थ जनरेशन के जो होते हैं वो है 1985 से लेकर अब तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवी पीढ़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2015 का कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन होगा, किस नंबर के कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे हमारे पांचवें नंबर के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आते हैं, सॉरी सेकंड पे आते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया था पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है कहीं कहीं 1990 से वर्तमान में लिखा है और कहीं कहीं लिखा है 1985 से लेकर वर्तमान, ठीक है। तो आपको ज्यादातर बड़े कॉन्फ्यूजन होगा तो आपको ये दोनों चीजों को याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बोला गया है दूसरे नंबर पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे वो हो जाएगा डी, मतलब। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था कहाँ पर, रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में या जापान में, तो दोस्तों ये विकसित किया गया था आपका यूएसए के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ दोस्तों। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो डिजिटल हुआ करता था इस पर, डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक पल्स के हिसाब से इसके नंबर्स होते हैं। देखिएगा ये जो मैंने बताया आपको, देखा होगा आपने ब्लिंक ब्लिंक करता हुआ आपके मोबाइल या घड़ी पे आता होगा, वो होता होता दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, ठीक है ना। निर्मित जो पहला कंप्यूटर था वो कौन था आईसी चिप द्वारा, तो वो था दोस्तों IBM सिस्टम 1360, ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो कंप्यूटर था ये IBM नाम की कंपनी ने बनाया था, अभी मैंने आपको बता दिया है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। और 1360 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना, माप, विद्युत या लॉजिकल, तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, गणना, गणना पे काम करता है। कैसे गणना पे काम करता है, मैंने आपको बताया कि जो भी कंप्यूटर होता है वो 0101 की लैंग्वेज समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, या शुद्ध हिंदी में बोल देंगे द्विआधारीय पद्धति। क्या दोस्तों, द्विआधारीय पद्धति पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो सभी जो काम होते हैं इसमें किस में होंगे, गणना में होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर वन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं, तो पहला कंप्यूटर किस में हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं एम्बेस्टेड कंप्यूटर हो सकते हैं। अब आपको बताऊं मैं, डिजिटल घड़ियों में एम्बेस्टेड कंप्यूटर ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये डिजिटल जितनी भी वॉचेस आती हैं उसमें हमेशा कौन से कंप्यूटर होंगे, एम्बेस्टेड घड़ी होंगे, तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहा है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर के बारे में बोला गया है कि ये किस पे कार्य करेगा, डिजिटल कंप्यूटर पे कार्य करेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि डिजिटल में कौन से होते हैं कंप्यूटर, एम्बेडेड। क्या नाम है? एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ से, कि बहुत सारे क्वेश्चन है हाइब्रिड की तरफ से। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी विशेषताओं का समन्वयन होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया सुपर एवं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी एवं माइक्रो कंप्यूटर, अनुरूप एवं अंकीय कंप्यूटर, या सुपर और मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपके सामने। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि संकर कंप्यूटर क्या होते हैं। देखिए संकर कंप्यूटर होंगे एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, संकर कंप्यूटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कह रहे हैं कि घरेलू उपकरणों में से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए घरेलू उपकरणों में से जो स्थित होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, नहीं भाई वो तो हो नहीं सकते, मिनी कंप्यूटर नहीं होंगे, माइक्रोफोन कंप्यूटर भी नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो घरों में पाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जैसे आप सस्ते कंप्यूटर कहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है आदि में, यह हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है ना। और हाइब्रिड कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर हो दोस्तों बना होता है, इलेक्ट्रिक और फिजिकल चीज़ों से मिलकर, ठीक है ना। तो दोनों का जो ये रूप होता है ये कहलाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ये एनालॉग कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ये यहाँ पर लिए गए हैं। पूछा गया है कि कार में लगा हुआ गति मापन यंत्र निरूपित करता है किस चीज़ को, वो करेगा एनालॉग को। अभी मैंने आपको बताया है एनालॉग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंधित है। तो आपके पास चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस में आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनालॉग जो कंप्यूटर हैं वो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करते हैं। किसको? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानकारी क्या देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे कि क्वाड सर्वर सिस्टम में क्वाड कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पीडीए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। मेमोरी आकार का प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ओके। अब कुछ क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको पूरे का पूरा इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। कह रहे हैं सबसे पहले मिनी कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था तो उसका क्या नाम हुआ करता था। देखिए पहला आंसर आपको दिया गया पीडीए 8, दूसरा दिया गया एनिक, तीसरा दिया गया यूनिस और EDVAS। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पीडीपी में 8 है और पीडीपी 8 है, ये एक डिजिटल इक्विपमेंट होता है दोस्तों। कौन सा इक्विपमेंट? डिजिटल इक्विपमेंट होता है और ये डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी है, उसके द्वारा 1958 में निर्मित किया गया था। 1958 में क्या किया गया था दोस्तों, बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करता है, माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पूछा गया है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट के तीन बेसिक कैटेगरी होती हैं, आपको इन चारों पांचों कैटेगरी को ढंग से पढ़ना है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये है यूनिट, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। तो बी इज अ राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है इस समय। तो आपको बताना है, तो माइक्रो कंप्यूटर का दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर के रूप में ही जानी जाती हैं, ठीक है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड विश्व में पहला जो लैपटॉप था वो कौन सी कंपनी लेके आई थी। दोस्तों वो एप्सन लेके आई थी कंपनी, और उसका पहले नाम था EPNX HX20 नाम से ये आया हुआ था, वो भी 1981 में। और इसमें जो कीबोर्ड थी वो 68 कीबोर्ड हुआ करती थी, और इसमें जो दोस्तों बैटरी लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि बैटरी किस चीज़ की होती, बैटरी होती है यहाँ पर रिचार्जेबल बैटरी होती है निकिल की, तो ये निकिल की रिचार्जेबल बैटरी हुआ करती थी जो 1981 में आई थी। कौन कंपनी लेके आई थी दोस्तों? इप्सन लेके आई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिक पैड लैपटॉप का संबंध है? दोस्तों ये जो थिक पैड लैपटॉप के बारे में बात हो रही है ना, ये कौन सी लेके आई थी? ये लाई थी दोस्तों IBM कंपनी लेके आई थी, ठीक है ना, IBM कंपनी। और IBM कंपनी ने थिक पैड लैपटॉप बनाए थे, और इसे सन 2000 में IBM कंपनी ने इसको निर्माण किया था। मैं हालांकि बता चुका हूँ IBM कंपनी ने इसको बनाया था, और सन 2000 में इसको निर्माण किया था, ठीक है ना। नाम था थिंक पैड लैपटॉप, इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? MILEAP सबसे कम कीमत वाला एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा है, वो किसने उतारा है ये आपको बताना है। तो किस कंपनी ने उतारा है दोस्तों? ये सत्यम ने उतारा है कि इंफोसिस ने, कि माइक्रोसॉफ्ट ने, या SCL ने, तो किसने? जी हाँ बिल्कुल सही है, SCL ने निकाला है इस कंपनी ने, ठीक है ना, इस नाम को। और लगभग अगर आपने देखा हो तो अभी गूगल करिएगा, इसकी 7 इंच की जो क्या है, 7 इंच की डिस्प्ले हुआ करती थी, और इस पर जो इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ करता था, ठीक है ना, और इस पर सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग डिवाइस को करता था, जैसे आपको पता है लिनक्स है, डॉस है, HP का विंडोज़ है, विस्टा है, ये सारी चीज़ों को क्या करता था, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। अच्छा ठीक है भाई, पहला है एडम ऑसबर्न ने एक सुहावा अभिकलित विकसित किया था। बी था इयान विमुट ने प्रथम कृतक भेड़ की उत्पत्ति करी थी। तो आपको बताना है इसमें से क्या राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पॉम टॉप नोटबुक के ऊपर, ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। तो देखिए पूछा गया पॉम टॉप नोटबुक क्या है, तो आपसे पूछा गया है कि एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर, बहुत छोटा सा होता है, नोटबुक की तरीके होता है, तो इसको बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्या ना, शब्द लैपटॉप और पॉम टॉप किस संदर्भ में अटैच करते हैं, किस चीज से रिलेटेड है? तो किससे? फोन से तो रिलेटेड है नहीं, क्योंकि आपने लैपटॉप तो फोन तो कभी सुना ही नहीं होगा, फैक्स मशीन भी नहीं है, इनमें से कोई तो हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या है? कंप्यूटर। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? आपको पता होगा किसके बारे में? आकाश के बारे में, बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने आकाश करा वो बिल्कुल सही, एक पीसी था, ये कहा जा रहा था कि वर्ल्ड का सबसे सस्ता बनने वाला है, वर्ल्ड का सबसे सस्ता होने का दावा है। और आपको पता था ये कौन सी कंपनी थी? भारत की, भारत के अंदर हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित ये कंपनी, जिसका नाम था डेंटा विंड कंपनी, ये ध्यान रखना। इसी ने आकाश नाम के लैपटॉप जो टैबलेट है, पीसी है, उसका निर्माण किया, ठीक है ना, आकाश नाम के। पर्सनल कंप्यूटर पीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं कि पद पीसी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, अभी मैंने आपको बोल ही दिया था तो याद ही हो गया होगा आपको, बी इज द राइट आंसर। कहना है डेस्कटॉप कंप्यूटर है, किस प्रकार का डेस्कटॉप कंप्यूटर है? ये भी एक क्या है? पीसी ही है, तो बी इज द राइट आंसर। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि पद पीसी एक्सटी का आशय क्या है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर इंटरनेट क्रोटोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सीडेंटल क्रोटोलॉजी, सी है पर्सनल कंप्यूटर एक्सीपेंडेड क्रोटोलॉजी या एबेंडेड क्रोटोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर बी क्यों होगा।
दोस्तों देखिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो आईबीएम कंपनी के द्वारा इसको 8 मार्च 1983 को बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो इसमें जो टाइप है, इसका जो टाइप था आईबीएम मशीन टाइप 4516, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इज अ राइट आंसर, इज अ बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले एक टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रदर्शित करने की घोषणा करी थी? तो ये आंसर है HCL इंफोसिस्टम, इंफोसिस, ठीक है ना, HCL इंफोसिस इसका सी आंसर है। दोस्तों अब आते हैं जरा सुपर कंप्यूटर की तरफ, जो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो ये इसका तो रघुनाथ मार्गलेश्वर नहीं है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो बी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अब देखिए जो सी है, जयंती नर्लिकन, ये एक भौतिकी वैज्ञानिक है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का को क्या नाम दिया गया है? तो भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। आकाश तो आपको पता ही है कि आकाश के टैब मिल रहे थे, टैबलेट अर्जुन और सिद्धार्थ तो नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये हुआ था 1991 में, भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था। और इस कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सी डैक, नाम था सी डैक, पुणे के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, पुणे के द्वारा किया गया था, यह याद रखिएगा, सी डैक पुणे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां हुआ था? तो देखिए वही है, पुणे में हुआ था, डी ऑप्शन हो गया। सी डैक का संबंध कहां से है? तो किससे है दोस्तों सी डैक का संबंध? फोर्थ का सी डैक का संबंध है कंप्यूटर से रिलेटेड है। और ये किस कंप्यूटर को बना रहा था? सुपर कंप्यूटर को। सी डैक कहां से रिलेटेड है? ये पुणे से रिलेटेड है, तो ये इज द राइट आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहां पे मिल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटर सी डैक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया था। दोस्तों हालांकि यहाँ पर एक डैश छोड़ना चाहिए था, इस डैश में यहाँ पे भरा होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर से कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से डैश नहीं छूट पाया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ए, परम इज अ राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया परम के बारे में कि परम को पुणे में बनाया गया था और इसको किस कंपनी ने बनाया था? सी डैक नाम की एक कंपनी ने बनाया था, ठीक है ना। अब इसका मैंने कई बार जिक्र भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये किया था आपके सी डैक ने, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि सी डैक ने किया हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, क्या नाम था? कंप्यूटिंग, ठीक है ना, सी डैक। और ये इसका कौन सी वेराइटी इसने बनाई थी? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी था जो इसने बनाया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन आ भी गया है, 7 नंबर पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? परम 8000, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था? परम 8000, तो सी इज द राइट आंसर, अभी बिल्कुल जिक्र किया है। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर था जो अपने ही भारत में बना हुआ था? तो दोस्तों अपने ही भारत में एकमात्र बना था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये था कौन सा, अभी मैंने आपको बताया है क्या नाम था इसका दोस्तों, परम, परम नाम हुआ करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, परम पद में जो हाल ही में चर्चा का विषय था उसके बारे में दिया गया, ये चार ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं और इसका सही अंदाजा लगाना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी है। मैंने अभी आपको सी डैक के बारे में बताया, कहा कि पुणे की एक कंपनी हुआ करती थी, इसने परम कंप्यूटर बनाया और भारत में भी कंप्यूटर बने, तो परम कंप्यूटर का कौन सा मॉडल बना? 1000। 8000।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कह रहा भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसाइल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था कहाँ पर? वो आंसर है अभी आपको मैंने बताया, नाल बेंगलुरु में, अभी नाल बेंगलुरु में था। और ये कब बनाया गया था? ये 1980 में बनाया गया था, ये नहीं है पुणे में। तो अभी आपको बताया परम कंप्यूटर बने हैं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो आंसर एक ही बचता है, वो है ए। क्वेश्चन नंबर 13, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस काम के प्रयुक्त होने के लिए करते हैं? तो वो है मौसम विज्ञान के लिए, नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए इसका यूज करते ही नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन तो यही सारे कंप्यूटर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो ये किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? ये है सी, मैथमेटिकल मैथमेटिकल साइंटिफिकल एप्लीकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर की श्रेणी में आएगा? तो वो आएगा आपका सुपर कंप्यूटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर, शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर तो नहीं होगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में आपको पता है कि परम 200 आपने नाम सुना था, परम 8000, ठीक है ना। तो ये सारे सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 64 bit, ठीक है, इसको रट लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे विद्युतम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है, ठीक है ना। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20 है, अत्यंत उच्च संपीड़न स्पीड पर जटिल निष्पादन करने का क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आपको बताना है इसका नाम है सी, नाम है इसका तिन्हे टू, नाम बहुत ही है तिन्हे टू, ठीक है ना। और ये कहा जाता है कि इसकी जो गणना है वो 33.86 पेटा फ्लॉप प्रति सेकेंड्स में करता है। आप इसकी गणना को समझ नहीं सकते, इतनी तेज गणना करता है, फास्ट किसी भी कैलकुलेशन को, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर है, हालांकि अगर तेज कंप्यूटर की बात करेंगे तो वही है चीन का, जिसका नाम है क्या दोस्तों? तिन्हाई 2, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए इसका कोई आंसर ही नहीं था। ये आयोग का ही क्वेश्चन है तो इसका कोई भी आंसर नहीं था, ठीक है ना। आयोग ने इसको स्टार बना के दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 23 क्वेश्चन कहता है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था किस कंपनी ने किया था? तो वो किया था दोस्तों CRC ने, सी इज द राइट आंसर। रट लीजिएगा जैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से 1776 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो कंप्यूटर था आपका क्रेफर्स्ट, ठीक है। और 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, किस तरीके का है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो देखिए ये है क्रे 2, ठीक है, CRE XMP 24 एवं तिन्हे जो अभी चीन में बना है, तिन्हे टू का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा डी। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो वो है दोस्तों सी। और आपको बार BARC का फुल फॉर्म जरा बताइए, मैं लिख देता हूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड सेंटर। ओके, तो दिस इज, और ये आज का लास्ट वीडियो है, मतलब कंप्यूटर का ये लास्ट टॉपिक है। अभी और भी बहुत सारी इसकी सीरीज आएंगी, हम लोग बहुत सारी सीरीज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, क्योंकि इस पर बहुत सारी दोस्तों मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कराइए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।